अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मंडियों के हाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और मंडियों के हाल में चर्चा करेंगे आज लहसुन के ऊपर। आप सबके हमारे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि लहसुन पर खुराना जी का एक इंटरव्यू कीजिए, खुराना जी को इंटरव्यू के लिए लेकर आइए लहसुन के ऊपर। तो आज लहसुन के ऊपर ही चर्चा करेंगे, जानेंगे लहसुन का बाजार आगे कैसा रह सकता है, डिमांड, कीमतें, आयात, निर्यात, ये सब कैसे रह सकते हैं। तो लहसुन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजादपुर लहसुन मंडी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र खुराना जी। खुराना जी, ये समय होता है लहसुन, नई लहसुन का मंडियों में आने का, तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नया लहसुन की स्थिति क्या है अभी, ओवरऑल कहां कहां से माल आ रहा है और माल कैसा है। सर, नया लहसुन चालू हुए 1 से 1.5 महीना हो चुका और तक अभी MP और राजस्थान, UP, अभी तीन स्टेट से आ रहा है जी। और इस बार फसल तो दोगुनी है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि फसल चेका खा गई, तकरीबन 20 से 25% फसल डैमेज हो गई है, जो कि अभी तक के अनुमान है। जो माल अभी नहीं निकले उनको छोड़ के जितने माल निकल चुके हैं उनपे एक एवरेज 20 से 25% फसल डैमेज हो गई है जी। और दूसरी दिक्कत आ रही है कि बैठक इस बार कम बैठी है, जो साइज है वो लहसुन का कम आ रहा है, तो बड़ा साइज होना चाहिए वो नहीं है जी। जी तो जितेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि लहसुन का माल 20 से 25% डैमेज होने की खबरें हैं, तो ऐसा क्या ऐसी उम्मीद है कि ये जो डैमेज है वो आगे थोड़ा और बढ़ जाए? क्या डैमेज वाला माल की जो परसेंटेज है वो थोड़ी और बढ़ने की भी आगे कुछ उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, और जो अभी अंदाजे लग रहे हैं उसमें और दिखता है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उम्मीद है डैमेज और निकलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत लहसुन जमीन के अंदर ही है। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, और ये उम्मीद है हमारे को अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट वीक, इसमें लहसुन की बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमारे हिंदुस्तान में कितना लहसुन डैमेज हुआ है। उस हिसाब से आगे पता चलेगा कि कितना लहसुन में उछाल आ सकता है जी। तो यानी कि अभी जिस हिसाब से लहसुन की डैमेज होने की खबरें आ रही हैं और उसके बाद जो आकलन किया जाएगा उसके बाद ही लहसुन की एक्चुअल पोजीशन पता लग पाएगी। यहीं से खुराना जी बात करें अगर ओवरऑल लहसुन के उत्पादन की, तो पिछले साल का अगर लहसुन का उत्पादन उठाएं और इस बार का अगर अनुमान लगाएं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? लगभग डबल का उत्पादन की चर्चा है जी, कि लगभग डबल उत्पादन होगा जी, हुआ है जी। खुराना जी, जैसा आपने अभी बताया कि लहसुन का इस बार दोगुना उत्पादन हो सकता है, डबल हो सकता है उत्पादन जी, तो क्या खपत भी बड़ी इतनी बड़ी है, क्या कंजप्शन भी इतना रहने का अनुमान है? बिल्कुल जी, असल में क्या है जी, देखिए कुछ तो डैमेज की खबरें आ रही हैं जी, और मैंने पिछले साल भी कहा था कि लहसुन जैसे ही डाउन होता है तो जितना अचार इंडस्ट्री, डिहाइड्रेशन वाले और फिर एक्सपोर्ट, ये तीन चीजें तो जो एक्स्ट्रा हमारे को मदद करेंगी किसान को बचने में जी, तो ये तीन पॉइंट्स आप दिमाग में रख के चलें कि इनकी भी डिमांडें निकलेंगी जी। जो डैमेज हुआ वो अलग है, ये तीन की डिमांड निकलेगी, लोकल डिमांड इंडिया की वो है ही है जी। तो बाकी अब सामने, अब क्योंकि जिस हिसाब से डबल फसल हुई है उस हिसाब से रेट अभी जो है बहुत अच्छे हैं जी, और बहुत बुरी तरीके से क्रैश होने चाहिए थे जी, लेकिन अभी नहीं हुए। अब जो ये अप्रैल का महीना है इसमें उम्मीद है कि रेट डाउन फॉल की तरफ जाएगा, क्योंकि हर इलाके से माल निकलना चालू हो जाएगा जी। अभी तक MP से निकलना था, अब थोड़ा बहुत राजस्थान से चालू हुआ है, अब राजस्थान स्पीड से निकलेगा और अपना MP तो निकल ही रहा है जी। UP निकलेगा, इधर पंजाब, उधर हिमाचल, मतलब हर स्टेट से लहसुन निकलना चालू हो जाएगा जी। तो उससे अप्रैल महीना
हमारे को लगता है मध्य में जाएगा, इसमें हाथ क्या ये भी पता चलेगा डैमेज कितना हो रहा है जी। तो ये कई चीजों का कैलकुलेशन इस महीने के एंड तक सामने आना चाहिए जी। तो यानी कि अप्रैल का जो महीना रहेगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा, काफी इम्पोर्टेंट रहेगा लहसुन की आगे स्थिति डिसाइड करने के लिए कि आगे लहसुन का उत्पादन कितना माल आ रहा है और उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या निकल के सामने आ रही है डैमेज माल की, ये सब की। पुराने जी जैसे अब नवरात्रे आ जाएंगे तो क्या नवरात्रों की वजह से हम देखते हैं कि लहसुन और प्याज की जो खपत है अक्सर कम हो जाती है भारत में, तो ऐसे में इसका असर कीमतों पर कितना देखने को मिलेगा और वर्तमान में भी क्या कीमतें हैं? देखिए वर्तमान में तो यही चल रहा है 15 रुपए से लेके 40 रुपए किलो का भाव है लहसुन का जी, और ऊटी के माल जो होते हैं वो 50-52 रुपए चल रहे हैं जी। लेकिन अभी जो नवरात्रों में आप सही कह रहे हैं कि खपत कम हो जाती है, लेकिन वो बहुत कम समय है, 6-7 दिन का है। इधर नवरात्रे चल रहे हैं तो इधर रोजे भी चालू होने वाले हैं जी, है ना, तो उसमें खपत चालू हो जाएगी जी। तो नवरात्रों का असर तो पड़ेगा, लेकिन भाव कोई हम कहें सोचे कि एकदम से ही क्रैश हो जाएगा वो भी नहीं होगा। भाव होगा टूटेगा तो आवक के ऊपर, आवक कितनी निकलती है हिंदुस्तान में इस महीने में, उस वजह से भाव क्रैश होंगे जी। पुराने जी जैसे आपने बताया कि इस बार लहसुन का जो उत्पादन है वो दोगुना है और हर साल की तरह अभी भी डिहाइड्रेशन, अचार इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इनसे डिमांड आएगी आएगी, तो ये जो डिमांड है ये कब तक एक्सपेक्टेड है? ये सर तकरीबन मई में ये चालू हो जाते हैं सर, मई जून में इन लोगों का डिमांड 25 पे निकल जाते हैं। अभी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री इस टाइम प्याज के लिए लगी हुई है जी, तो ये प्याज से 2 महीने बाद फ्री होंगे अप्रैल और मई, उसके बाद इनकी डिमांड निकल जाएगी लहसुन की। कुछ फैक्ट्रियां लहसुन की 1-2-3 अभी चल भी रही हैं, लेकिन जो स्पीड पकड़ेंगी वो मई जून में पकड़ लेंगी जी। तो यानी कि जब गर्मियां पीक पर होंगी, लहसुन का माल सूख जाएगा, तब इन इंडस्ट्री से जो लहसुन की जो डिमांड है, जो मांग है, वो ज्यादा देखने को मिलेगी, जो लहसुन के किसानों को दोगुना उत्पादन के बीच कीमतों को उनमें सपोर्ट देगा। ये सब खुराना जी बात करें अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? क्या इस दोगुना उत्पादन के अनुमान के बीच कहीं से इंपोर्ट होने की उम्मीद है? सर मैंने आपको पिछले साल भी आज से 6 महीने पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था जी, मैंने उसमें बोला था कि लहसुन में तेजी आएगी अगर इंपोर्ट रुक गया तो जी, और उसका असर भी था कि जब तक इंपोर्ट रुका था लहसुन में भाव बढ़ने चालू हो गए थे जी। लेकिन ये सिर्फ हमारे को 1 महीना इंपोर्ट मिला, उसके बाद फिर इंपोर्ट होना चालू हो गया था, तो वहीं पे मार्केट टूटी और बहुत मोटे नुकसान हो गए सबको दोबारा से। और इस साल तो वैसे ही फसल डबल है, अगर इस साल अगर हम लोगों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, हम लोगों ने कमर नहीं कसी, सरकार को नहीं बताया जी। कि फसल बहुत ज्यादा है, इम्पोर्टर तो जो इम्पोर्ट करने वाले हैं वो तो इम्पोर्ट करेंगे ही करेंगे भाई साहब, बिल्कुल वो नहीं रुकने वाले, उनको जब मौका लगा इम्पोर्ट करेंगे जी। लेकिन अगर आप अभी से कमर कस लेते हैं किसान लोग, व्यापारी लोग, तो इम्पोर्ट में अंकुश लग सकता है जी। सरकारें सुनती हैं, सिर्फ हम लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे जी। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से, मैंने आज से 8-9 महीने पहले एक इंटरव्यू में बोला था जी, कि ये मौका है, अब जैसे इस साल फसल बहुत है, ये मौका है आप अपने अपने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या आपके जो भी आला अधिकारी हैं वहां तक बात पहुंचाए कि लहसुन के तेल का मशीनें लगवाओ अपने इलाकों में जी, जिससे लहसुन का तेल निकले, जैसे पीपरमेंट का तेल निकलता था जी। उसमें लोग पहले पीपरमेंट में क्या होता था, जब फसल निकली किसान ने कमती बढ़ती बेचा और बर्बाद होके खत्म। जब से तेल निकलना चालू हुआ है, आप बताओ पीपरमेंट की कभी सुना कि पीपरमेंट का किसान कभी नुकसान में गया है जी? भाई उसको लगता है कि माल बेचना है, रॉ मटेरियल बेचेगा, नहीं तो तेल निकलवा के वो रख लेता है, और वो तेल 2-5 साल कभी खराब नहीं होता जी। तो उसमें ऐसे टाइम में किसानों का बचाव हो जाता है। आज हम इतनी बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद हम एक छोटी सी चीज, मैंने आज से 8 महीने पहले भी बोला था कि ये तेल निकालने वाली मशीनों के लिए अपनी सरकारों को आप बोले, जिस जिस राज्य का किसान सुन रहा है
अपने अपने जगह बोले कि भाई ये जैसे हिमाचल में लगी हुई है, हिमाचल में दो तीन मशीनें लगी हुई है भुंतर में, वो इसका गार्लिक ऑयल निकालते हैं जो कि मेडिसिन में यूज होता है। तो आज अगर हम हर अपने अपने राज्यों में लगवा देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सुधार आ सकता है। अगर फसल हुई भी है तो कुछ नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, उसका तेल निकलवा के रख लीजिए आप, आपका तेल एडवांस बिका हुआ है, क्योंकि ये मेडिसिन इंडस्ट्री आग बंद करके डिमांड करती है, इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचो गार्लिक ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि हमारे यहाँ इतना गार्लिक है, अगर हम खुद चाहें तो यहाँ पे गार्लिक ऑयल बना के वही हम मेडिसिन इंडस्ट्री को दे सकते हैं। जी, तो यानी कि एक इंडस्ट्री लहसुन उत्पादकों को और मिल सकती है अपनी फसल डाइवर्ट करने के लिए। अचार इंडस्ट्री, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज तो पहले से है ही, इसके साथ साथ अगर गार्लिक का ऑयल भी यहीं पर बनने लग जाएगा और मेडिसिनल यूनिट्स में पहुंचने लग जाएगा तो उसका भी जो फायदा है कहीं ना कहीं किसानों को और भारत की आर्थिक को पहुंचेगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन का उत्पादन, प्याज का उत्पादन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पे होता है। जी, तो आज अगर किसानों का भी मन खुलेगा, दिल खुलेगा, नहीं तो आज बताए सारा किसान डरा हुआ है। जी, इतना उत्पादन है, अगर ये डैमेज ना होती फसल जो हम 20-25% का अनुमान लगा रहे हैं तो लहसुन वही 5-10 रुपए किलो पे आ जाता। जी, अभी तो उम्मीद है कि डैमेज हो रहा है तो चलो जी, नुकसान तो है, नुकसान है ही है, लेकिन एक मन में एक आस भी बन रही है कि थोड़ा सा हो सकता है खर्चे लाएगी लहसुन निकल आए, जो किसान ने खर्चा किया है लहसुन में उसकी लागत ही निकल आए, तो एक उसकी उम्मीद बन रही है। ऐसे में अगर कोई इंपोर्ट की खबर आ जाती है एक्सपोर्ट के बजाय, तो आप समझे कि किसान कहां बचेगा। जी, तो दो चीज किसान को अभी से बांध लेनी चाहिए अपने अपने राज्यों की सरकारों को। अभी से आप लोग मजबूत होके बोले कि इस साल हिंदुस्तान में लहसुन बहुत है, हमारे को लहसुन इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जी, दूसरी चीज कैसे भी लहसुन का तेल किसके लिए आप लोग लगे, पढ़े लिखे हैं आज सब किसान लोगों के बच्चे, कोई किसान नहीं पढ़ा तो उसका बच्चा पढ़ा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई पढ़े लिखे ना हो, अपना नेट पे जाके देख सकते हैं गार्लिक ऑयल की कितनी डिमांड रहती है, गार्लिक ऑयल का कंजम्पशन कहाँ है। जी, जब इतनी बड़ी खपत है हमारे हिंदुस्तान में गार्लिक ऑयल की और हम लोग अभी तक इस फील्ड की तरफ सोचना भी नहीं चालू किया, तो अगर आज ये सरकारों को अपनी डिमांड देते हैं तो सरकार तो तैयार है कैसे भी किसान को ऊपर उठाए, तो उसकी सुनेगी और उस पर कार्रवाई होगी। तो अभी से ही आप लोग लगे गार्लिक ऑयल के लिए। जी, तो यानी कि अगर गार्लिक ऑयल इंडस्ट्री भी लहसुन की खपत को बढ़ाएगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को ही पहुंचेगा, किसानों को भी पहुंचेगा, सरकार को भी पहुंचेगा। बिल्कुल खुराना जी, जैसे आपने बताया कि उत्पादन दोगुना होने की उम्मीद है, तो ऐसे में भारत के पास देखा जाए तो एक्सपोर्ट की भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ जाती है, जब अपने पास सरप्लस में माल है पहले से ही, तो इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट पर क्यों ना ध्यान दिया जाए जिसका फायदा सरकार और किसानों दोनों को हो। तो ऐसे में इसके लिए एक्सपोर्ट की भी स्थिति क्या है, और आगे अगर एक्सपोर्ट, जैसा आपने बताया कि गार्लिक ऑयल के लिए अगर एक्सपोर्ट चालू करवाना हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं। सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आज ईमेल हर एक के मोबाइल, जो स्मार्ट मोबाइल यूज करता है वो बिना ईमेल के नहीं करता। जी, और बहुत सिंपल सा पोर्टल बना हुआ है, हर एक के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की ऐप आ रही है, आप डाउनलोड करें, अपनी मेल्स दें वहां पे कि भाई इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट की जरूरत है। जी, तो उस पर कार्रवाई होगी गार्लिक ऑयल के लिए। आप अपने, आपको किसान आज देखिए, हर आदमी हर एक से जुड़ा हुआ है मोबाइल से। जी, है ना, आज आप अगर अभी से ही मेलिंग चालू कर देते हैं कोई जरूरत नहीं आपको दिल्ली आके प्रधानमंत्री निवास पे धरना देने की, आप डालें ना पीएमओ ऑफिस पे, मेल करें। जी, आप मेल करें, आप देखें आपकी हर मेल का जवाब मिलेगा आपको। जी, लेकिन इसके लिए इतना कहना पड़ेगा सरकारों को दोष देने की बजाय अपने आप में मजबूत होके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेल देनी पड़ेगी।
बिल्कुल जी। तो यानी कि अब कोई जरूरत नहीं है किसी को धरना देने की, किसी को सरकार को कोसने की। किसान चाहे या किसान के परिवार चाहे या कोई भी चाहे, तो वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, उसकी जो जानकारी है अपने एरिया की, वो सरकार को अवगत करा सकते हैं। ऐप्स आ गई हैं, उसके साथ साथ डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अब सभी के पास मोबाइल फोन्स की सुविधा है, तो उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन ये करना खुद को ही होगा। खुराना जी का इस पर काफी ज्यादा फोकस है। खुराना जी, जब पिछली बार आपसे बात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तो आपने एक बात और कही थी और काफी अच्छी बात थी कि एक मसौदा तैयार होना चाहिए लहसुन को लेकर, जिसकी वजह से आयात हुआ, निर्यात हुआ, कंजप्शन हुई, प्रोडक्शन हुई, इसके आंकड़े, इसकी कितनी कहां पर कितनी जरूरत है, इन सब का लाभ उठाया जा सके। तो ऐसे में क्या अभी तक इस पर कुछ विचार हुआ है? बिल्कुल, मैंने ये बात कई सालों से उठा रहा हूँ कि सरकार को एक टीम का गठन करना चाहिए कि कौन सी फसल, सिर्फ लहसुन नहीं, हर फसल जी कितनी पैदाइश हुई है, उसके लिए हमारे को उस पैदावार को, कम हुई है तो इंपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा हुई है तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। मैं नहीं समझता अभी तक कोई गठन हुआ हो, या अगर हुआ है तो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा। गठन हुआ होगा, कई बड़ी सरकारें कई सालों से चल रही हैं, तो इन्होंने चलाया हुआ होगा, गठन हुआ होगा, बट जमीनी स्तर पे नहीं दिखता जी। वो जमीनी स्तर का मतलब ये होता है कि आप जमीनी स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़ें, कि जैसे किसान, ये आपका एमपी है, एमपी का लहसुन के दो तीन लोग जोड़ दें प्रोडक्शन मंडी से, ऐसे ही प्याज के दो तीन लोग जोड़ दें नासिक से, ये महाराष्ट्र से, जिस एरिया में जिस चीज की फसल ज्यादा है वहां के लोगों को जोड़ें अपने साथ। वो टीम उन लोगों से रिपोर्टिंग करती है टाइम टू टाइम, जैसे दालें हो गई, कई बहुत फसल हमारे तो हिंदुस्तान चली फसलों पे रहा है, किसान से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। किसान अन्नदाता ऐसे नहीं कहा जाता, तो अगर हम किसान को, अन्नदाता को बचाना चाहते हैं तो ऐसी टीमों का गठन करके जमीनी स्तर पे इसको काम करना पड़ेगा। जो चीज की फसल ज्यादा होती है वो चीज को एक्सपोर्ट के लिए, या उसके और भी सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं रह गया, जैसे हम लहसुन की बात कर रहे थे, तो उसका एक्सपोर्ट सिर्फ सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। हमने कहा कि हमारे पास अचार इंडस्ट्री है, हमारे पास डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है, हमारे पास ऑयल इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट हो ना हो कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो हमारे पास दूसरे सब्स्टिट्यूट है ना, किसके लिए वो लोग काम कर रहे, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाई आज मैं एक एमपी ले लेता हूँ, राजस्थान ले लेता हूँ, जो बड़े प्रदेश है जहां लहसुन बहुत उगता है, आज वहां पे कुछ नहीं, 10-10 मशीनें भी अगर सरकार की तरफ से लग जाए, आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में हमारे को गार्लिक ऑयल मिल जाएगा जी, और कितना सहारा उन किसानों को हो जाएगा जिनकी फसल, जिनको डर है कि फसल हमारी 5 रुपए या 2 रुपए या 10 रुपए किलो ना बिक जाए जी। तो ऐसी टीमों का गठन मैं बहुत बार सरकार को आगाह अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैंने एक दो बार ईमेल्स भी किए हैं जी, बट अभी तक उनका जमीन भी स्तर पे नहीं दिख रहा काम। अगर ऊपर के स्तर पे हुआ होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको जमीनी स्तर पे अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी है। जी जी खुराना जी, आपने लहसुन के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक और सब्स्टिट्यूट बताया है, अचार और डिहाइड्रेशन के अलावा और एक्सपोर्ट के अलावा, गार्लिक ऑयल इंडस्ट्री। एक्चुअल में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? क्या गार्लिक ऑयल का बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत में इस्तेमाल होता है, और विदेशों में क्या कैसी डिमांड है? सर अगर इस पे मैंने वही कहा कि अगर आप नेट पे जाएंगे ना, आज हर बच्चा पढ़ा हुआ, किसान का जो खुद नहीं पढ़ा हुआ उसका बच्चा जरूर पढ़ा हुआ, जो मोबाइल चलाना जानता है, जो यूट्यूब चलाना जानता है, जो गूगल चलाना जानता है, उसके लिए 2 मिनट का काम है सिर्फ ये सर्च करना कि गार्लिक ऑयल की कंजम्पशन कितनी है इंडिया में, या गार्लिक ऑयल की डिमांड कितनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जी। तो जब वो नेट पे हम जाएंगे तो हम सोच भी नहीं सकते, हम हैरान हो जाएंगे कि हम सोना उगा रहे हैं और मिट्टी के भाव बेच रहे हैं जी जी।
तो जिस हिसाब से खुराना जी ने बताया कि गार्लिक ऑयल पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, हर किसान को, जरूरी नहीं है सिर्फ किसान ही हो, आम आदमी, हम हो गए, आप हो गए, हमारा भी फर्ज बनता है अन्नदाता को बचाने का, उसको फायदा पहुंचाने का। और राज्य सरकार को ये अवगत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ अचार और डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री ही नहीं है लहसुन के लिए, बल्कि गार्लिक ऑयल इंडस्ट्री भी काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अनेकों फायदे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर जैसे लहसुन किसी के पास स्टॉक है वो रखे रखे किसी का सड़ गया, गल गया, तो उसको कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, कहीं पे खपत बढ़ जाती है। बिल्कुल भाई, अगर हमारा लहसुन छेका आ गया, देखिए इस साल लहसुन में छेका आ रहा, तो वो टिकने लायक नहीं हुआ, लेकिन वो गल भी नहीं गया, खराब भी नहीं हो गया, अगर हम उसको इसी टाइम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा ना जी, भले वो तेल में चला जाए, भले वो पाउडर बन जाए, वैसे कहीं ना कहीं काम आएगा, बचेगा ना कुछ तो। बिल्कुल, एक खाद बनने से उसको कुछ तो मिलेगा जी, कहीं तो गरीब बचेगा ना। बिल्कुल जी खुराना जी, इसी बीच आपसे सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल रहेगा मेरा। जैसा हम देख रहे, आपने बताया उत्पादन दोगुना हो सकता है, इसी बीच डैमेज होने की भी खबरें हैं, तो आगे आपकी तरफ से किसानों को अभी हाल फिलहाल में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए क्या सलाह रहेगी, अभी किसानों को क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए सर, अभी ये महीना मध्य का है अप्रैल का, इसमें जितना आपका माल डैमेज होता है, हुआ हुआ है, वो बेचे, अच्छे माल में थोड़ा होल्ड करके चले जी। क्योंकि आगे इसकी स्थिति क्लियर आएगी अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट में कि क्या आगे रहेगा। इन बिटवीन जो आपका डैमेज माल है, अभी मजबूरी है, उसको बेचना ही पड़ेगा, ये तो और गल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो डैमेज मालों को आप मार्केट में निकालो, वो किसी भाव के बेचो अभी जी। और ये स्थिति अगर हमारे पास दूसरी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे तेल इंडस्ट्री और ये दूसरी चीजें होती, तो हम इस स्थिति में भी एक मजबूत स्थिति में खड़े हो सकते थे किसान, कि ठीक है मेरा माल डैमेज भी हो रहा है तो मेरे को टेंशन नहीं है, वो कहीं दूसरे काम में आ जाएगा जी। जी तो अभी हमारे को अप्रैल महीने माल जो डैमेज हुआ है वो निकालना चाहिए, अच्छे माल को थोड़ा रोकना चाहिए, मई में देखेंगे क्या माहौल रहता है, उस हिसाब से आगे चलेंगे जी। तो यानी कि अभी जो थोड़ा लो क्वालिटी वाला माल है खुराना जी के मुताबिक, उसको निकाल देना चाहिए, जो अच्छा माल है उसको भी होल्ड कर लेना चाहिए। अप्रैल मई के बाद जब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, डैमेज माल कितना है, कितना माल आ रहा है, जब पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आंकड़े जारी होने शुरू हो जाएंगे, तो आगे की कार्रवाई उसके अकॉर्डिंग की जाएगी कि लहसुन का बाजार आगे कैसा रहेगा। अभी फिलहाल अप्रैल वाला जो महीना रहेगा थोड़ा लहसुन के लिए मंदी वाला रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था हमारा लहसुन पर खुराना जी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिलहाल मंडियों के हाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।